हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। और हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे विंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन है, चिनूक इज़ अ विंड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे विंड्स के नाम दिए हुए हैं। अब ये जो विंड्स होती है ना, विंड्स जिस रीजन में ब्लो कर रही है उस रीजन में उसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही है चिनूक। चिनूक क्या है? ये एक विंड है। कहाँ पे चलती है ये? नॉर्थ अमेरिका की वार्म एंड ड्राई विंड है चिनूक। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, वार्म विंड इन नॉर्थ अमेरिका, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, द वेस्टर्लीज हैव देयर ओरिजिन इन। वेस्टर्ली विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है सब ट्रॉपिकल हाई से। सब ट्रॉपिकल हाई वाला जो रीजन है ये कहाँ पे आता है? 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे होता है सब ट्रॉपिकल हाईस। तो ये रहा था सब ट्रॉपिकल हाई वाला रीजन, 30 डिग्री। तो यहाँ से वेस्टर्लीज ओरिजिनेट होती है और ब्लो करती है टुवर्ड्स द पोल्स, सब पोलर लो। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे हाई है, हाई टू लो वेस्टर्ली विंड्स ब्लो करती है, राइट। और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई से जो इक्वेटर की तरफ विंड्स ब्लो करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, और ट्रेड विंड्स भी इनको बोला जाता है, राइट। अब इक्वेटोरियल लोब की बात करें तो ये इक्वेटर पे चलती है। ये जो इक्वेटर वाला IDCZ वाला रीजन है ये इक्वेटोरियल लोब का रीजन है। पोलर हाइज वाला ये पोल्स वाला एरिया हो गया, एंड सब पोलर लो वाला आ गया, ये रहा सब पोलर लो वाला एरिया 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का, राइट। नेक्स्ट जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है? ये जेट स्ट्रीम हाई वेलोसिटी विंड्स है जो कि हाई लैटिट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड पे ब्लो करती है। तो जेट स्ट्रीम्स की जो डायरेक्शन होती है, यूजली जो डायरेक्शन होती है ये होती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ये रही पोलर जेट स्ट्रीम, और यहाँ पे आती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वेस्ट टू ईस्ट ये ब्लो करती है, और ये मियांडर्स में ब्लो करती है जेट स्ट्रीम, राइट। तो जेट स्ट्रीम्स क्या है? ये हाई वेलोसिटी विंड्स एट हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड पे जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स सबसे पहले है टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज क्या है? टॉर्नेडोज इज अ काइंड ऑफ साइक्लोन्स। ये नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे जो साइक्लोन्स आते हैं उनको टॉर्नेडो बोल देते हैं। टाइफोन्स, टाइफोन्स की बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं? ये जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो आते हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं उनको बोलते हैं टाइफोन्स। ये रहे टाइफोन्स वाला एरिया। हरिकेन्स की बात करें, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाली साइड पे, ये जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको बोलते हैं हरिकेन्स, राइट। इंडिया में इनको साइक्लोन्स ही बोला जाता है। नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं? नॉर्वेस्टर्स जो है ये एक लोकल विंड्स है नॉर्वेस्टर्स, जो कि वेस्ट बंगाल में ब्लो करती है, इंडिया में वेस्ट बंगाल में। तो इसको इंडिया में वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी भी बोला जाता है। तो जो नॉर्वेस्टर्स है ये लोकल विंड्स है, दिस इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट। तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सरफेस विंड्स, डॉल्ड्रम्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स। Which one among the following is the idealized global pattern of these winds from equator to poles? Equator to poles इनको हमने जो है correct sequence में लगाना है। Doldrums कौन सी आ गई? Equator में, equator पे ये जो 0 degree equator पे है ये क्या है? Doldrums का region है। तो ये first सबसे पहले doldrums ही आ जाएंगे equator पे। Equator के ऊपर कौन सी winds blow करती है? Trade winds। Trade winds के ऊपर आ जाती है westerly winds, और सबसे ऊपर आ जाती है polar Easterlies। तो correct sequence क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4। तो answer आ जाएगा option A। Next, dry wind Santa Ana blows in। ये जो सेंटा एना की ड्राई विंड्स है ये चलती है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में लैंड टू सी की तरफ ये ब्लो करती है। तो बेसिकली अगर स्पेसिफिकली रीजन की बात करें तो ये कहाँ पे ब्लो करती है? कैलिफोर्निया में। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। Which of the following has a highest wind velocity? Tornado की wind velocity सबसे ज़्यादा होती है। जो violent tornadoes आते हैं उनकी wind velocity 300 किलोमीटर पर आर से भी ज़्यादा चली जाती है, right? तो highest wind velocity किसकी है? Tornadoes की। नेक्स्ट, लोकल थंडरस्टॉर्म्स नॉर्वेस्टर्स आर प्रोमिनेंट। नॉर्वेस्टर्स कहाँ पे चलते हैं? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इनको काल बैसाखी भी बोला जाता है।
राइट क्योंकि जब नॉर्वेस्टर्स आते हैं तो पूरा ऐसे अंधेरे जैसा हो जाता है, काले बादल छा जाते हैं, इसीलिए इनको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर द हरिकेन्स अपेरेंटली एब्सेंट्स। तो हरिकेन्स कोस्ट ऑफ टेक्सास पे भी हरिकेन्स प्रोमिनेंट होते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको पे भी होते हैं, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में भी आते हैं, लेकिन जो पैसिफिक की साउथ ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ये हरिकेन्स जो होते हैं नहीं होते, वहाँ पे एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिस्ट्रल इज अ कोल्ड विंड ब्लोइंग इन नॉर्थ अमेरिका। अब ये जो मिस्ट्रल है ये है तो कोल्ड विंड्स, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं चलती, ये यूरोप में चलती है। यूरोप में भी स्पेसिफिकली बात करें तो कहाँ पे चलती है ये, यूरोप में पर्टिकुलर एक रीजन में चलती है। कौन सा रीजन है, उसका नाम है स्पेन। तो ये चलती है साउथ स्पेन में, स्पेन में भी सदर्न पार्ट्स में होती है मिस्ट्रल। नेक्स्ट, सिरोको इज अ हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, तो टू ओनली आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। व्हाट आर चनुक्स, चनुक्स क्या थी, चनुक्स वार्म एंड ड्राई विंड्स थी नॉर्थ अमेरिका में जो ब्लो करती है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर, वार्म एंड ड्राई विंड्स विच ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लोकल विंड्स एंड कंट्री। हरमैटन, हरमैटन कहाँ की लोकल विंड्स है, हरमैटन वेस्ट अफ्रीका की लोकल विंड्स है। हबूब सूडान की लोकल विंड्स है। बोरा एड्रेटिक कोस्ट, एड्रेटिक कोस्ट के पास इटली हो गया, क्रोएशिया वाला रीजन हो गया, स्लोवेनिया वाला रीजन हो गया, वहाँ पे चलती है जो बोरा विंड्स है। जोंडा विंड्स अर्जेंटीना पे ब्लो करती है। नेक्स्ट, इफ एटमोसफेयर इज कूल इट्स कैपेसिटी फॉर वाटर वेपर इज। अब देखो, एटमोसफेयर का टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कोल्ड होएगा तो डिक्रीज होएगी, लेकिन अगर ये गर्म हो जाएगा, वार्म होएगा एटमोसफेयर, तो उस केस में इसकी जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होएगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, लोअर्ड। विंड्स आर कॉज्ड प्राइमरली बाय, विंड्स क्यों चलती है, विंड्स चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। कहीं पे हाई प्रेशर है, किसी जगह पे लो प्रेशर है, तो हाई टू लो प्रेशर विंड्स जो है उनकी मूवमेंट होगी। अगर हर जगह पे सेम प्रेशर हो जाएगा तो विंड्स की मूवमेंट होगी ही नहीं, राइट। तो विंड्स जो चलती है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से नहीं चलती, क्योंकि बुक में इसका आंसर कोरियोलिस इफेक्ट दे रखा है। कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो विंड्स है ना, विंड्स डिफ्लेक्ट होती है, राइट। कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से विंड्स डिफ्लेक्ट होती है, विंड्स ब्लो नहीं करती। विंड्स जो चलती है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है, राइट। नेक्स्ट, व्हेन वार्म एयर मूव्स इनटू द रीजन ऑफ कोल्ड एयर इट लेट्स टू, जब वार्म एयर कोल्ड एयर के रीजन में जाता है तो उसको बोलते हैं वार्म फ्रंट। जेट स्ट्रीम ब्लोस, जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या है, यहां से पता चल रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट assertion, the westerlies of southern hemisphere are stronger and more constant in direction than those of northern hemisphere. तो assertion वाली statement right है, southern hemisphere की जो westerly winds है ना वो ज़्यादा stronger भी होती है और constant भी होती है। क्यों, क्योंकि southern hemisphere में ज़्यादा landmass नहीं है, ocean के ऊपर winds चलती है, तो ocean जो है, ocean एकदम से ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, इसलिए winds कांस्टेंट भी रहती है और स्ट्रॉन्गर भी होती है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट नहीं है, इसीलिए ओशन पे चलती है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। रीजन, द ब्रॉड एक्सपेंसेस ऑफ ओशन इन सदर्न हेमिस्फेयर रूल आउट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेशनरी प्रेशर सिस्टम। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर इन नदर्न हेमिस्फेयर हु स्टैंड्स विद हिज बैक टू द विंड विल हैव लोअर प्रेशर ऑन हिज लेफ्ट एंड हायर प्रेशर टू हिज राइट। से कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो राइट साइड पे हायर प्रेशर इसको फील हो रहा है और लेफ्ट साइड पे जो है लो प्रेशर फील हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। ये जो हाई और लो प्रेशर इसको फील हो रहा है, ये कौन सा लॉ है, ये है बायस ब्लॉट लॉ, ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। The hot dust laden wind blowing from Sahara Desert to Mediterranean region is called। इसको क्या बोलते हैं, जो सहारा से मेडिटेरेनियन रीजन की तरफ
हॉट विंड्स चलती है। हमने पढ़ा था ना जो नॉर्दर्न अफ्रीका में विंड्स चलती है उनको क्या बोलते हैं, सिरोको। तो ये वाला जो पार्ट है मेडिटेरेनियन रीजन और सहारा वाला, ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न अफ्रीका का ही है। तो ये कौन सी विंड्स होएगी, सिरोको, ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। बाकी की विंड्स की बात कर ले तो चिनूक जो विंड्स है, चिनूक कहाँ पे चलती है, नॉर्थ अमेरिका में। फोन कहाँ पे है, एल्प्स वाली साइड पे, यूरोप में चलती है। मिस्ट्रल स्पेन की विंड्स है, राइट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्लीज आर लार्जली मॉडिफाइड बाय साइक्लोन्स एंड एंटीसाइक्लोन्स। अब ये जो वेस्टर्ली विंड्स चलती है ना, इनमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस क्यों आ रही है, इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज क्यों हो रहे हैं, वो साइक्लोन्स एंड एंटीसाइक्लोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड, वेस्टर्लीज आर मोस्ट डोमिनेंट विंड सिस्टम इन मिडल लैटिट्यूड्स। ये जो वेस्टर्ली विंड्स है ये मिडल लैटिट्यूड्स पे ब्लो करती है 30 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जो मिडल लैटिट्यूड से ये ब्लो करती है, मैप पे हमने अभी देखा था। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है, वेस्टर्लीज बिकम मोर विग्रस इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादा विग्रस हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और कॉन्स्टेंट भी होती है। क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट्स कम है, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो इसलिए ये कांस्टेंट भी होती है और स्ट्रॉन्गर भी होती है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।